हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज इतना बढ़िया और आउटस्टैंडिंग कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। यार रिमेंबर करना, मैं आपको कितने प्राइस तक इसको होल्ड करना है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पर ये भी जान लेना कंपनी की प्राइजेस और कंपनी की जो ग्रोथ है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी का शेयर है ऑयल सेक्टर से रिलेटेड, यहाँ पर आप सभी को पता है ऑयल की जो डिमांड है वो पूरी तरीके से कभी भी बंद नहीं होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि FMCG सेक्टर के जैसे फूड चलते हैं उस तरीके के ऑयल चलता है। अब यहाँ पर आपको सभी पता है कि जैसे कि लॉकडाउन पूरी तरीके से अनलॉक की चुका है, तो अनलॉक का मतलब है लोग जरा तो भी बाहर घूमेंगे फिरेंगे और जो पेट्रोल डीजल के जो बिजनेस है वो चलेगी ही। आप सभी को अंडरस्टैंडिंग होती होगी। यहाँ पर आज बात करेंगे जो इंडियन ऑयल मीन्स, यहाँ पर आपको पता होगा ऑयल सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनी है इंडिया में। इस कंपनी की जो ग्रोथ है आपको दिखती भी होगी, आज की बात करेंगे तो 3% रुपीज की यहाँ पर अप ट्रेंड होते हुए दिख रहा है। और ऑयल जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है इस कंपनी का नाम है। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी रिलेटेड मैगजीन वाला चार्ट दिखा रहा हूँ, तो आप देख लेना यहाँ पर आपको दिखता होगा लगभग ये कहाँ पर जा रहा है, 200 के आसपास, 200 के रेंज में चलने वाला स्टॉक है। और अभी भी देखेंगे प्राइस तो आपको दिखता होगा 86 रुपीज़। और ये मैं बोलता हूँ आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा जब तक, मैं बोलता हूँ पूरी तरीके से आपको जब भी कोई भी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जो इंडिया में अभी फिलहाल कुछ कंपनीज है जो 150 रुपये के हाईएस्ट प्राइस पर चलती है, 150 से 200 के, तो आपको अभी भी 80-90 इस रेंज में मिल रही है। मैं नाम बता दूँ कि आपको मदर सनसुमी, टाटा मोटर्स, ऐसी और ऑयल सेक्टर से रिलेटेड ये वाली और दो चार और भी कंपनीज है, मैं आपको कभी बता भी दूंगा। तो आपको इंटरेस्ट हो तो मुझे बताते जाना यार, आपके लिए ही वीडियो होते हैं, इसलिए कमेंट बताना आपको जो पसंद, जो भी कोई सेक्टर का शेयर पसंद हो ना मुझे कमेंट बताना, मैं खाली आपके लिए ही वीडियो बनाऊंगा। जिसको भी पसंद हो उसने खाली कमेंट में डाल देना और बता देना कि मुझे इसी शेयर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप बात करेंगे इसको कितनी देर होल्ड करना चाहिए, मैं आपको बता दूँ लगभग ये शेयर 150 रुपये के रेंज तक हमें होल्ड करना चाहिए, हमको इतना ही होल्ड करना चाहिए। इसका एक बात और एक पॉइंट क्या है उसके बारे में आगे बात करूँगा, आप यहाँ पर रिमेंबर करना पूरी तरीके से। मैं आपको बोल रहा हूँ जब भी आप इसको खरीदेंगे तो आप यहाँ पर 150 रुपये तक सोच के ही चलना और समझ के चलना, 150 रुपये के तो 1 रुपये नीचे बेचूंगा ही नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, कंपनी डिविडेंड डील, कंपनी इंडिया में 2nd नंबर पर आती है डिविडेंड देने के हिसाब से, इतना दबाकर डिविडेंड देती है। और यहाँ पर पी रेशो देखने लगा पूरी तरीके से आपको अंडर वैल्यूड मिल रही है अभी भी। देखें ना आप यहाँ पर कितने भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर की बात सोच लेना और सुन भी लेना, वो 10 रुपये के नीचे के पी रेशो वाले को शेयर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप देखना यहाँ पर क्या है, स्टडी पर्पज से वीडियो बनाता हूँ, आप यहाँ पर देखना, खुद की भी राय यहाँ पर रख के देखना और फाइनल डिसीजन तो खुद ही लेना है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो मैं आपको इस कंपनी से रिलेटेड आगे बात बता देता हूँ जो कि इस कंपनी में हमने 150 के रेंज में क्यों चलना चाहिए। तो कंपनी का मार्केट कैप दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आप देखते होंगे मार्केट कैप के हिसाब से। तो पहले मैं आपको दिखा रहा था इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस, देखिए मैं आपको बता रहा था मैं तो खाली 150 बोलकर चल रहा हूँ, तो हाईएस्ट प्राइस देखते होंगे 185 रुपीज पर हाईएस्ट प्राइस है इस कंपनी का। और यहाँ पर लोएस्ट प्राइस देखेंगे तो 66 रुपीज का लोएस्ट है। और कंपनी का मार्केट कैप दिखा दो तो 9461 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट है, कैप है, और ये पूरी तरीके से मिडिल कैप कंपनी है। और यहाँ पर हम बात करेंगे इस कंपनी का कर्जा, कर्जा देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको 150 रुपये के रेंज में ही चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म इस कंपनी में आपको ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप 9000, कंपनी पर कर्जा 11000, इतना कर्जा तो इस कंपनी के मार्केट कैप से ही ज़्यादा है, तो इसमें इतना ज़्यादा आपने इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है कंपनी में ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं 56% प्रमोटर होल्डिंग ये प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। और यहाँ पर आप देखते होंगे तो सेल्स ग्रोथ देख लेना पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग है, बट प्रॉफिट निगेटिव, इसलिए कह रहा हूँ जब तक इसके रेंज में पहुँचता नहीं, मीन्स 150 के रेंज में पहुँचता नहीं तब तक आपने होल्ड करना और बाद में से आपने निकल जाना पूरी तरीके से। ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। और मैं आपको बताता हूँ कितने लोग चाहते हैं कि इस कंपनी में अभी बाय करना चाहिए। मैं आपको मनी कंट्रोल, देखिए मनी कंट्रोल ये ऐसी वैसी कोई वेबसाइट नहीं है, पूरी तरीके से ट्रस्टेबल, यहाँ पर आने वाले लाखों करोड़ों लोग विजिट करते हैं इस वेबसाइट को, और पूरा स्टडी मटेरियल इसके ऊपर मिलता है। आप यहाँ पर कभी पढ़ लेना और सर्च कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऑयल इंडिया इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन में आप जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कितने लोग इस कंपनी के में इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं और इस कंपनी के शेयर को परचेज करना चाहते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखते होंगे, देखिए ग्रीन निशान में देखिए बाय कितने, 85% लोग कहते हैं, कितने 85% लोग बाय कीजिए, और सेल कितने जे करने को कहते हैं तो खाली 8%, मीन्स होल्डिंग
होल्डिंग के लिए तो देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग मीन्स ऐसी होती है लॉन्ग टर्म, तो कितने परसेंटेज कम परसेंट मुझे कहते हैं, इसलिए बाय एंड जब भी टाइट होल्ड मीन्स ऐसा क्या होता है, यहाँ पर इन्वेस्टर की एक बात है बाय कम में करने का और सेल कर देने का, उसको कहते हैं कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखकर आपने निकल जाना चाहिए। यहाँ पर आपने समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ और आप अंडरस्टैंड भी हो चुके होंगे। इससे रिलेटेड आपको कंपनी से रिलेटेड मैं आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट के बाद मैं आपको NSE की वेबसाइट पर भी दिखा देता हूँ किस तरीके से कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। आज की पोजीशन में बात करें तो कंपनी में देखिए आज ही कितनी क्वांटिटीज़ उठाई गई है, लगभग 6 लाख से 6.5 लाख क्वांटिटीज़ अपने पोर्टफोलियो में होल्ड की गई और आज की ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से 13 लाख शेयर की यहाँ पर हो चुकी है दिखती होगी। यहाँ पर मैं आपको बात करूँ इस कंपनी से रिलेटेड तो डिविडेंड देने में भी देखिए कंपनी पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती है, पर ईयर में 2 से 3 बार डिविडेंड देती है। देखिए 2019 में 2 बार, 2018 में 2 बार, इस 2018 में कंपनी ने बायबैक भी लाया था। कंपनी आउटस्टैंडिंग है, देखिए प्रमोटर ने कोई एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं है, 1 रुपये का भी शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं, इसलिए कहता हूँ कंपनी पर ज़रा ध्यान देना और आपको जैसा अच्छा लगे और आपके हिसाब से जितना अच्छा लगे आप यहाँ पर होल्ड करना। देखिए 185 रुपीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका हाईएस्ट प्राइस है, और आपको एक याद रखना है जिसका कंपनी का हाईएस्ट प्राइस होता है ना उसके हाईएस्ट प्राइस तक वो पहुँचता भी है, पहुँचता ही है क्योंकि उसको पता है और सबकी यहाँ पर यही डिमांड होती है कि वो कंपनी जब तक वहाँ तक जाती है तब तक उसके साथ चलना है। यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी इश्यू हो तो मुझे बताना, यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये चैनल आपके लिए है, आपको जिस जिस कंपनी के रिलेटेड कोई भी छोटी छोटी कंपनी हो या छोटा छोटा प्रॉब्लम हो तो मैं आपके लिए अवेलेबल एनी टाइम हो आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स और शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं न्यूज़ अवेलेबल करा दूँगा। तो फर्स्टली मैं आपको कुछ अभी जो